हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं मामा अर्थ का जो सीरम फाउंडेशन है उसके बारे में बताने वाली हूँ। मामा अर्थ की बात कहूँ तो इनके सारे प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री होते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं किया होता है, पैराबेन सल्फेट फ्री, क्रूअल्टी फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी होते हैं। तो इनका अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फाउंडेशन लॉन्च किया जो कि 7 शेड्स में आता है। सारे शेड्स ही जो इंडियन स्किन टोन है उसके साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। तो 7 शेड्स हैं, आपकी जो स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं फाउंडेशन वगैरह लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं ज़्यादा मेकअप करने से तो बचती हूँ। पर क्योंकि ये मामा अर्थ का है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं, इसलिए मैंने इसको यूज़ करके दिखा। तो चलिए आगे इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि मुझे पसंद आया है नहीं, कैसे काम करता है, क्या क्या क्लेम करता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप भी मामा अर्थ के सीरम फाउंडेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ये है मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन विद विटामिन सी एंड टर्मरिक, कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है क्योंकि इसको मैंने मामा अर्थ की साइट से ही परचेज किया। तो ऐसे पैकेजिंग में है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है कि जो भी प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो सके। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है बाहर से, और ये शेड है 01 आइवरी ग्लो और 02 न्यूड ग्लो। अगर मेरे जैसे स्किन टोन है तो आपको ये सूट करेगा, और अंदर से भी देख सकते हो कितनी अच्छी पैकेजिंग है। पम्प बॉटल में आता है, कुछ लोगों को ये स्पैचुला में भी मिलता है पर ये पम्प बॉटल है। तो ये लाइट वेटेड फाउंडेशन है जो कि जिसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि 12 आवर्स तक आपकी स्किन को कवरेज प्रोवाइड करेगा, क्रूअल्टी फ्री है। और एक ख़ास बात ये है कि ये प्रोडक्ट क्लेम करता है आपको डबल इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करेगा। आप जैसे इसको अप्लाई करोगे तो ये आपके स्किन पर इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और ड्यूई बेस प्रोवाइड भी करता है। बात करते हैं मुझे ये फाउंडेशन कैसा लगा। तो अगर आप अच्छा कवरेज चाहते हो जो आपके स्कार्स को हाइड कर दे तो ये फाउंडेशन आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये दाग धब्बों को हाइड नहीं करता है, सिर्फ एक ग्लो प्रोवाइड करता है, ड्यूई लुक आप कह सकते हो प्रोवाइड करता है। वैसे तो ये सारे स्किन टाइप्स के लिए अच्छा है, पर एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तब आप इसको लेने की भूल ना करें क्योंकि इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली फेस हो जाता है। ड्राई स्किन है तब ये अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, और ड्राई स्किन वाले लोग चाहते हैं कि उनको एक ड्यूई लुक प्रोवाइड हो, तो उनके लिए ये अच्छा है। और 12 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अब जब आपको स्वेटिंग होगी, फेस चिपचिप लगेगा, ऑयली लगेगा, तो आप उसको टिश्यू पेपर से या किसी भी चीज़ से रिमूव करोगे तब ये फाउंडेशन भी आपका आ जाएगा, टिश्यू पेपर में निकल जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। और एक्ने प्रोन स्किन पे अगर आप बहुत लंबे टाइम तक लगाओगे तो हो सकता है आपको स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाए। ड्राई स्किन है, दाग धब्बे हैं, अगर आप चाहते हो अपने डार्क सर्कल वगैरह हाइड करना या दाग धब्बे हाइड करना, तब आपको एक अच्छा सा कंसीलर इसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कंसीलर ये अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे कि BBCC क्रीम्स होती हैं, कुछ उस टाइप का ही ये काम करता है, इससे ज़्यादा काम नहीं करता है। इनकी पैकेजिंग में कहीं भी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं दी गई है, तो मैंने नायका से या ऑनलाइन कहीं से मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक की तो काफ़ी केमिकल्स वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं, और नेचुरल चीज़ें भी यूज़ की गई हैं पर इसमें केमिकल्स भी यूज़ किए गए हैं। फाउंडेशन से आप जो एक्सपेक्ट करते हो ये वो काम नहीं करता है। मतलब जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहोगे कि फाउंडेशन से थोड़ी सी आपको कवरेज मिल जाए, आपके दाग धब्बे छुप जाएं, इससे बिल्कुल भी नहीं छुपते, मतलब लाइट दाग धब्बे भी आपके नज़र आएंगे, तो ये वो काम नहीं करता है। और मुझे जैसा ये काम करता है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लगी। मतलब एक अच्छा सा फाउंडेशन इतने इस
प्राइस में आ जाता है। तो मामा अर्थ से जितना आप एक्सपेक्टेशंस करते हो ये उतना अच्छा मुझे नहीं लगा फाउंडेशन। फिर भी अगर आपकी ड्राई स्किन है, आप एक लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहते हो तो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हो। बाकी स्किन टाइप्स वालों को मैं बिल्कुल कहूँगी कि इसको यूज़ ना करें, इसको परचेस ना करें। फिर भी परचेसिंग लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स अब ऑफलाइन भी ईजिली मिल जाते हैं, तो ऑफलाइन भी आप परचेस करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये जो फाउंडेशन है ये वाटरप्रूफ नहीं है और लाइट वेटेड ये क्लेम करते हैं लाइट वेटेड है, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है आप इसको लगाओगे तो ये लाइट वेटेड नहीं लगेगा। और अगर आप अच्छी कवरेज के लिए इसको रीअप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा आपके फेस में, जो कि बिल्कुल अच्छा लुक क्रिएट नहीं करेगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। ड्राई स्किन है आप बिल्कुल इसको एक बार ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, यूज़फुल है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।